कामयाबी के लिए आगे बढ़ने का शौक और ख्याल तो अच्छा है, कदम बेहतरी के लिए बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन हमें कामयाबी और बेहतरी का मतलब पहले मालूम होना चाहिए। हमें देखना होगा कि जो कामयाबी हमें बताई जा रही है कि वो कामयाबी है भी कि नहीं, क्या वाकई राह रास्त को बेहतरी कहा जा रहा है। अगर हमारी लाइल्मी में हमारी तहजीब रिवायात और तालीमें असल से दूर करने के लिए हमारे कदम बढ़ाने की तरगीब दी जा रही है, तो फिर कदम रोकने के बजाय पीछे की जानिब ले जाने होंगे। ज़रूरी नहीं कि हर बढ़ता कदम दुरुस्त हो, आगे अंधी खाई हो तो बेहतर ये है कि पीछे हट जाएं। अगर हमें हमारे मरकज़ से दूर किया जा रहा हो तो फिर माजी और हमें अपने मरकज़ की जानिब पलटना होगा। मालो सर की फरावानी ज़रूरतों की तशफ़ी का समा तो हो सकती है, कामयाबी नहीं सबसे कीमती दौलत सीनों में ईमान का हक के साथ बाकी रहना है। जो बढ़ता कदम ईमान को पीछे धकेल दे, कहने वाले उसे चाहे जितना भी जुरतमंदाना दानिशमंदाना फैसला कहें, उस कदम को रोक लेना ही बेहतर है। मुआशी बेहतरी के लिए आगे बढ़ें, लेकिन हर उठते कदम के साथ आपका ईमान भी मजबूत हो और आपकी माली हालत भी बेहतर हो, तब हर उठता कदम काबिले सताइश भी है और कामयाबी भी। अफराद नहीं, नागुजीर नजरियात हुआ करते।